बड़ौद में दिल्ली सहारनपुर रोड पर LIC ऑफिस के निकट उत्तम हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल का शुभारंभ बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय तोमर व रालोद नेता अश्वनी तोमर द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। बागपत सांसद ने कहा कि यह हॉस्पिटल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा कि नगर में एक और अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, जिसे उत्तम हॉस्पिटल पूरा करेगा। उन्होंने हॉस्पिटल के संचालक से अपील की कि क्षेत्र की जनता कृषि आधारित है, ऐसे में मरीजों को सस्ता व अच्छा इलाज मुहैया कराए। हॉस्पिटल डायरेक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को गुणवत्तापूर्वक इलाज होगा और इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमेधा आर्य, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर मदन मोहन झा, डॉक्टर असद अली, डॉक्टर रूपाली, डॉक्टर मुदित गर्ग, डॉक्टर संगीता गर्ग व मैनेजर मनीष शर्मा की देखरेख में मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। बहुत अच्छे नर्सिंग होम का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला और जिन चीज़ों की आवश्यकता है बागपत में, मेडिकल साइंस के रूप में, चिकित्सा के रूप में, तो ये अब हमारा जो बढ़ोत है बागपत है, ये उसमें अब आगे बढ़ता जा रहा है और उसी कड़ी में आज अच्छे नर्सिंग होम का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत समाज के काफ़ी सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा, इसकी ज़रूरत भी थी और पहले तो दूर जाना पड़ता था मेरा रिलेशन, आज ये सारी सुविधाएं बड़ौद में उपलब्ध हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि समाज के हर वर्गों को जो आज ये नर्सिंग होम है जिसका उद्घाटन मैंने किया है, अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छा स्टाफ है, अच्छे इसके ऑनर हैं, तो मुझे बड़ा खुशी है समाज के लिए ये अच्छा काम करेंगे, सबको इसका लाभ मिलेगा और आगे भी हमारा जो बड़ौद बागपत जो जनपद है इस स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा, ये भी मुझे खुशी उम्मीद भी है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जो इससे जुड़े तमाम जो इसके ओनर हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। उन्होंने अच्छा काम किया है बड़ौद के लिए, बागपत के लिए शुभकामनाएं।